सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एक लड़के की। उसने अपनी अच्छी खासी फोटो लगाई हुई है, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लड़की ने एक्सेप्ट कर ली और एक्सेप्ट करने के बाद उनमें बातचीत शुरू हुई। बातचीत करते करते लड़की लड़के में दोनों में एक भरोसा कायम हो गया। उसके बाद लड़का उसको बोलता है कि तुम उससे लॉज में मिलो। लड़की मना नहीं करती क्योंकि उसे उस पर भरोसा है, तो वो उससे लॉज में मिलने चली जाती है। लॉज में ले जाकर लड़का उसकी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस लेता है, ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोज़ और वीडियोस, और उसी दिन उससे रिश्ता तोड़ के वापस आ जाता है। और बाद में वो वही ऑब्जेक्शनेबल उसकी जो प्राइवेट वीडियोस और फ़ोटोज़ हैं उसे भेजकर उसे ब्लैकमेल करता है कि वायरल कर दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा, या फिर मुझे इतने पैसे दो। इसको बोलते हैं रोमांस फ्रॉड। और ऐसा नहीं है कि ये फ्रॉड, इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं वो सिर्फ लड़कियों के साथ ही होते हैं, ये लड़कों के साथ भी होते हैं। लड़कों की भी वीडियो कॉल के थ्रू उनकी वीडियो को रिकॉर्ड करके या स्क्रीनशॉट लेकर और उनको वायरल करने की धमकी देकर उन्हें भी ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन स्पेशली ये रोमांस फ्रॉड में सबसे ज़्यादा फंसने वाली लड़कियाँ होती हैं। तो मैं स्पेशली लड़कियों को कहूँगी कि अलर्ट रहिए, चाहे लड़का आपका नोन है चाहे नहीं है, लेकिन कभी भी अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। यहाँ तक कि आपकी अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, लड़की भी है, उसके साथ भी नहीं। आपको नहीं पता कोई किस इंटेंशन से आपकी ये फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मिसयूज़ करे। और अगर इन केस किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली कोई उनको ब्लैकमेल करने लगे इन प्राइवेट पिक्स या फोटोज़ के साथ, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको कैसे कंप्लेन करनी है। आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर, और उसके साथ आपको कौन से प्रूफ वहाँ पर अपलोड करने होते हैं। तो आप सोशल मीडिया यूज़ कीजिए लेकिन सतर्क रहकर।